हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का, यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कॉन्स्टेबल की कर रहे हैं, NTPC रेलवे या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से परीक्षा आप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं लोक नृत्य, यानी कि मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। और हमारी डेली लाइव क्लास चलती है 12:30 बजे, जिसमें आपके क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। कल का जो टॉपिक रखा हमने, दो टॉपिक हैं आपके, एक मेले का और दूसरा गुफाओं का। तो मध्य प्रदेश के मेले और मध्य प्रदेश की गुफाएं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका टेस्ट आपको दोपहर में 12:30 बजे लाइव रहेगा क्लास, तो उसके आंसर दीजिएगा, बड़े मजे आते हैं दोस्तों और आपके क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे जल्द। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है बघेलखंड। तो बघेलखंड में जो लोक नृत्य होते हैं उनके नाम याद रखना दोस्तों। पहला आता है हमारा परधोनी, कौन सा आता है दोस्तों, परधोनी। दूसरा आता है सेला, पहला परधोनी, दूसरा सेला, तीसरा दादर, केहरा, कलसा और बिरहा, है ना। परधोनी, सेला, दादर, केहरा, कलसा और बिरहा, ये नाम आपको याद रखना है कि बघेलखंड के लोक नृत्य। मैं आज आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा ट्रिक बना के याद करने की। तो ये आपके बघेलखंड के हो गए। फिर आता है हमारा बुंदेलखंड, क्या आता है मेरे दोस्तों, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में आता है हमारा कांडरा, नौटंकी, क्या आता है दोस्तों, नौटंकी, बधाई, राई, सेरा, डिमराई और जवारा, ये लोक नृत्य कहाँ के हो गए दोस्तों, हमारे बुंदेलखंड के। कांडरा, नौटंकी, बधाई, राई, सेरा, डिमराई और जवारा, राई, डिमराई, ऐसे याद रख लेना, सेरा, जवारा, बधाई, नौटंकी और कांडरा, ठीक है। अगला आता है निमाड़ का, निमाड़ में दोस्तों हमारा गणगौर, कौन सा है दोस्तों, गणगौर नृत्य। फिर आता है काटी, गणगौर हो गया, काटी हो गया, फेफरिया हो गया, मांडलिया हो गया, आड़ा खड़ा हो गया, डंडा नाच हो गया। तो ये लोक नृत्य कहाँ के हो गए हमारे, निमाड़ के। बघेलखंड की एक लिस्ट पूरी है आपकी, बुंदेलखंड की पूरी लिस्ट है और ये निमाड़ की। एक बच रहा हमारा मालवा, तो मालवा में रजवाड़ी, डंडा, मटकी और पतंग नाच, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा आप अपने स्तर से याद कर सकें। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसको थोड़ा याद कीजिएगा। बाकी जो लोक नृत्य लोक गीत वगैरह है मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसकी ही PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, टारगेट रखिए 6 मार्च का। धन्यवाद साथियों।